On your TV screens, you are watching the visuals from Second Vehicle Assembly Building, where the full LVM3M4 rocket has been assembled. These are the strap-on boosters getting assembled segment by segment. Each S200 has got three segments called nozzle end segment, middle segment and head end segment, to which the nozzle is assembled, and one after the other the segments are joined together. When the fully assembled solid rocket booster is handled carefully with a crane and being lowered on to the mobile launch pedestal as an integrated rocket, the igniter assembly then takes place, and this is the strap-on booster. On your TV screens, it is the core L110 stage being brought to the second vehicle assembly building for tilting and assembly between the S200 boosters. जी हाँ, अभी आपने देखा दोनों S200 स्टमॉन बूस्टर्स के साथ L110 को भी संलग्न कर दिया गया है, और यह है क्रायोजेनिक अपर स्टेज, ये 25 कहा जाता है इसे। बहुत ही जटिल इंजन है ये C20 इंजन, बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरी दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया जाता है। यह है इक्विपमेंट बे, जो कि दिमाग है इस रॉकेट का, और यह है हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल, चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये। चंद्रयान 2 के पश्चात इसमें काफी सुधार किए गए हैं। टीसीटीसी शार होने टू कंफर्म, नाम से आप मोटर मिल गया। 8 वॉट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स हैं। लैंडर और रोवर को, ये रोवर है जो चंद्रमा में विचरण करेगा। पूरी सावधानी के साथ इसे संयोजित कर दिया जाता है, और यह लैंडर मॉड्यूल रोवर के साथ लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ संयोजित कर दिया जा रहा है। सभी परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात रोवर नेम्ड प्रज्ञान, द ऑर्बिटर इज स्टिल प्रोवाइडिंग इनसाइटफुल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थ्रू इट्स पेलोड्स लाइक स्पेक्ट्रोमीटर्स, सिंथेटिक अपर्चर रडार एंड कैमरास। चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह में उतरने का प्रोपल्शन मॉड्यूल। Now the first awaited landing phase takes place. Launch view gallery, the overwhelming crowd of visitors. पूरे दर्शक दीर्घा यहाँ बहुत उत्साहित, मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है लेकिन सब अपनी सुविधाओं के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मिलाना गैस टेंस क्लब यादगार पल के लिए यहाँ सब उपस्थित। अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर, ऑल सेकंड्स,
एल्बर्टन बीच में भी होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off, normal. Here we have a majestic lift off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. Speed to tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्षयान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to Moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। 200 स्टेप ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है, और अभी अभी घोषणा की गई L-110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, normal. The core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated of hyperbolic, Earth storable liquid propulsion, UH-25 and N-204. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार यह यान से S-200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। पेलोड पेयरिंग को पृथक कर दिया। 110 इज द भार लाने के लिए जैसी गति टी ऑफ लेस देन 1 मिनट। चंद्रयान 3 मिशन अकम्प्लिश्ड, हैंडिंग ओवर टू मिशन डायरेक्टर। Director, the LVM-3 M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite ejection conditions. LVM-3 M4 mission is successful. The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of its two scientists in the mission control center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। अब इस मिशन के बारे में हम अध्यक्ष महोदय से सुनेंगे और हम आपसे आज्ञा लेते हैं।